pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter periodic classification of elements, and in that chapter today we have to study the periodic trends in atomic size. The periodic trends in modern periodic table. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है कौन कौन से प्रॉपर्टीज में पाए जाते हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में. पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी इसके बारे में हमने पढ़ा. तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज. तो एटॉमिक साइज जो है तो वी नो दैट यू हैव स्टडीड दैट मैटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज द साइज और वॉल्यूम. वी नो दैट एवरी मैटर हैज द मास एंड दे ऑक्युपाई द स्पेस. अगर मास है इसे और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो देयर फोर द मैटर हैज द वॉल्यूम और साइज. तो दिस वॉल्यूम और साइज, तो वॉल्यूम और साइज से हमें क्या पता चलता है हाउ बिग और स्मॉल द सब्सटेंस और एनी ऑब्जेक्ट इज. तो कोई भी पदार्थ है कोई वस्तु है कितनी बड़ी है या छोटी है ये इसके वॉल्यूम से या साइज से हमें पता चलता है. तो एटम अगर बड़ा है कि छोटा है ये कैसे जाने. हाइड्रोजन का एटम बड़ा है कि सोडियम का एटम बड़ा है लिथियम का एटम बड़ा है तो ये कैसे हमें पता चलेगा. तो दिस एटॉमिक साइज इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज. तो एटम बड़ा है या छोटा है किस पे डिपेंड होता है बच्चों. एटॉमिक साइज आ गया समझ में. तो एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड होती है. तो एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस तो एटॉमिक साइज कौन डिपेंड करता है. एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट सेल. द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम का आप एग्जाम्पल लेता हूं क्योंकि ये मेरा पसंदीदा एलिमेंट है. तो सोडियम जो है सोडियम का जो न्यूक्लियस है इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता. पहले सेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आउटर मोस्ट सेल जो है इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन. आ गया समझ में. तो डिस्टेंस बिटवीन अब ए जो है न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल इसमें जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस. और इस एटॉमिक रेडियस पे ही एलिमेंट्स की साइज डिपेंड होती है. जिस एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक रेडियस बड़ा है वो एलिमेंट जो है उसकी साइज बड़ी होती है और जिस एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस जो है वो छोटी होती है वो एलिमेंट छोटा होता है. देयरफॉर द एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो अब देखिए बच्चों तो एटॉमिक रेडियस जो है जैसे कि कोई भी लेंथ जो है एटॉमिक रेडियस में भी लेंथ है तो लेंथ किस में मेजर की जाती है मीटर में मेजर की जाती है सेंटीमीटर में मेजर की जाती है. अब एटम तो बहुत ही छोटा है तो उसकी रेडियस मेजर करने के लिए भी यूनिट भी अलग है. तो यूनिट यूज्ड फॉर मेजर द रेडियस इज कॉल्ड एज पिकोमीटर. कौन सा यूनिट है पिकोमीटर. द शॉर्ट फॉर्म इज पीएम स्मॉल पी एंड स्मॉल एम पीएम. पिकोमीटर में ये रेडियस मेजर करते हैं. पिकोमीटर क्या होता है बच्चों. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. अब देखिए पिकोमीटर कितना छोटा है नैनोमीटर से भी छोटा है. अब 1 मीटर जो है 1 मीटर के कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 सेंटीमीटर के होते हैं 10 मिलीमीटर एम एम मींस मिलीमीटर. अब ये 1 मिलीमीटर जो है उसके होते हैं 1000 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1000 पिकोमीटर. आ गया समझ में. द पिकोमीटर इज वेरी स्मॉल वेरी यू नो दैट एटम इज टू स्मॉल. एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखा देखता इतना छोटा एटम है और उसकी एटॉमिक साइज कितनी छोटी है और उस एटॉमिक साइज को साइंटिस्ट ने गिना है बच्चों. इट्स नॉट अ इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग. अब देखिए 1 मीटर के हम 100 टुकड़े करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हमें मिलेगा जो है इतना बड़ा हो सकता है. हा?
हाँ इतना बड़ा है आपको दिखाई दे। अब एक सेंटीमीटर के मैं 10 हिस्से करूंगा तो ये हिस्सा इतने पॉइंट्स के जैसा हो जाएगा, एक हिस्सा यानी कि 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर के मैं 1000 हिस्से करूंगा तो उसके जो है वो माइक्रोमीटर बनेगा, उसका एक हिस्सा। अब एक माइक्रोमीटर उससे लूंगा तो उसके 1000 हिस्से करूंगा तो नैनोमीटर मिलेगा, उसमें से एक हिस्सा लूंगा उसके 1000 पार्ट करूंगा तो पिकोमीटर मिलेगा। तो इट इज वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट इमेजिन हाउ स्मॉल इट इज। तो इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है तो कितना स्मॉल है, और साइंटिस्ट ने देखो इन्हें कैसे मेजर किया होगा। तो थिंग इज दैट द एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक रेडियस। द एटॉमिक साइज जो है एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड होती है बच्चों, आ गया समझ में। अब देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल्स में व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इज सीन इन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में क्या पीरियोडिक ट्रेंड हमें दिखाई देता है। अब एक यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं उसके एटॉमिक रेडियस भी दिए पिकोमीटर में। द एलिमेंट्स पहला जो हॉरिजॉन्टल रो है उसमें एलिमेंट्स है और उसके नीचे जो है उसकी एटॉमिक रेडियस लिखी है पिकोमीटर में। नाउ अब जो है एलिमेंट्स को बराबर देखिए तो देखने के बाद आपको कुछ याद आया होगा। बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड इन विच दीज एलिमेंट्स बिलोंग। अब पीरियोडिक टेबल में ये सभी एलिमेंट्स एक ही पीरियड में हमें मिलते हैं, तो कौन सा पीरियड है जिस पीरियड में एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं? आप पीरियोडिक टेबल भी देख सकते हैं। यस यू आर राइट, दीज एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व इन अ सेकंड पीरियड। तो ये सभी एलिमेंट्स जो है कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के हैं बच्चों। तो अब हम इनके एटॉमिक साइज यहां पे दिए, एटॉमिक रेडियस यहां पे दिए, वी हैव टू अरेंज दीज एलिमेंट्स नाउ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब इसे अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि जिस एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है वो पहले लिखना पड़ेगा और जिस एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस कम है वो आखिरी में आएगा। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देती है लिथियम। तो पहला एलिमेंट कौन सा आएगा? लिथियम। तो लिथियम के बाद जो है उसके उससे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है? बेरिलियम। बेरिलियम से कम है बोरॉन की, आ गया समझ में, बोरॉन की 88। बोरॉन से कम किसकी है? कार्बन की। कार्बन से कम है नाइट्रोजन और सबसे कम है ऑक्सीजन। देयरफॉर दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, आ गया समझ में। तो इसको मैं आड़ा भी लिखता हूं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। नाउ यू कैन फाइंड, नाउ मैच दिस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, मैच द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद द एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड के साथ इसे मैच करेंगे, यू विल फाइंड दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में है तो सेकंड पीरियड के साथ ये सभी एलिमेंट्स मैच होते हैं। तो सेकंड पीरियड में यही सीक्वेंस है एलिमेंट का, सेकंड पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आगे समझ में, ऑक्सीजन के साथ उसके बाद फ्लूरिन है, फ्लूरिन के बाद न्यूऑन है, आगे समझ में। तो दिस इज द, अब पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है एटॉमिक साइज में अब देखते हैं। इन द पीरियड्स सेकंड पीरियड में देखिए, इन द पीरियड्स द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, एटोमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब देखिए सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है यहां से? लिथियम। द लिथियम इज द बिगेस्ट एलिमेंट, बिगेस्ट एलिमेंट क्योंकि उसके एटोमिक साइज जो है वो सबसे बड़ी है क्योंकि एटोमिक रेडियस सबसे ज्यादा है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, और ऑक्सीजन के बाद जो है उसके बाद फ्लूरिन है, उसके बाद न्यूऑन है, वो भी क्या है उससे छोटे है। तो अब यार इतने जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे तो हमें क्या दिखाई देता है? द एटोमिक रेडियस goes on decreasing in the periods while going from left to right. तो left to right अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे atomic radius दिखाई देते हैं, and this is the periodic trends in the variation of the atomic size in the periods. तो while going from left to right in the period you will see that the atomic radius goes on decreasing from left to right. अत इसके पीछे reason क्या है? What is the reason of decrease in the atomic साइज? तो एटॉमिक साइज जो है वो कम क्यों होती है? अब यहां पे देखिए विद इन द पीरियड्स, पीरियड्स में क्या होते हैं? इन द पीरियड्स द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम सेल, द नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, द नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, बट द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस बाय वन एट ए टाइम। इट मींस दैट द
नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर ऑल्सो एडेड वन बाय वन इन द न्यूक्लियस एंड हाउ एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन द आउटर मोस्ट सेल एंड ड्यू टू व्हिच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग इन द आउटर मोस्ट सेल. अब सेकंड पीरियड में जो आप देख पा रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए, लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद बेरिलियम के दो है, बोरॉन के तीन है, कार्बन के चार है. देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एट द सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज आर ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन एटोमिक नंबर एंड ड्यू टू दैट पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन इंक्रीजेस पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट towards the nucleus and this decreases the atomic size. This decreases the atomic size. आ गया समझ में? तो atomic size क्यों decrease होते हैं इसको मैं फिर से आपको हिंदी में explain करके देता हूँ. अब देखिए यहाँ पे periodic table में भी दिखा है, lithium जो इसमें दो ही cells है, 2 and 1, और oxygen जो है ये सबसे biggest है, बराबर है, और ये जो है smallest जो है यहाँ पे हम देखेंगे इसमें 2 और 6. अब यहाँ पे एक आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है. अब देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन. अब हर एक एलिमेंट्स में जो है 2, 3, 2, 4, 2, 5 यहाँ पे भी देखिए तो एटॉमिक नंबर जो है लिथियम का 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है. एटॉमिक नंबर जो है एक एक से बढ़ रहा है. अब एटॉमिक नंबर एक से बढ़ता है तो एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल में बढ़ता है. अब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और वैसे ही एक एक प्रोटॉन्स यानी कि एक एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होते हैं क्योंकि जैसे जैसे सेल के अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिवली चार्ज है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में तो उसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है इसका अर्थ क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस इसके बीच का डिस्टेंस कम होता है और उसकी वजह से क्या होती है एटॉमिक रेडियस भी कम होती है और एटॉमिक साइज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाती है. अब देखेंगे व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज विद इन द ग्रुप्स. अब ग्रुप्स के अंदर देखिए, अब कुछ एलिमेंट्स हमने यहां पे दिखाई देते हैं आपके, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स एंड ऑब्जर्व दिस एलिमेंट्स एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक साइज दी है पिकोमीटर में. तो अरेंज दिस आपको ये जो सभी एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में कहां पे दिखाई देती है, एक ही जगह पे. तो यू हैव टू बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप इन विच टू विच दिस एलिमेंट्स आर बिलोंग. तो ये सभी एलिमेंट्स जो है कौन से एक ग्रुप में दिखाई देते हैं तो आपको पता चलेगा ये सभी एलिमेंट जो है फर्स्ट ग्रुप में हमें दिखाई देते हैं, फर्स्ट ग्रुप में के सभी एलिमेंट्स है. नाउ अरेंज दिस एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिक रेडियस. तो एटोमिक रेडियस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है. तो सबसे पहले कौन सा आएगा, लिथियम आएगा जो एलिमेंट्स यहां पे दिए, लिथियम के बाद सोडियम, देन पोटेशियम, रूबीडियम, केशियम और उसके बाद भी उसमें फ्रांसियम वगैरह वगैरह. पहला तो हाइड्रोजन होता है. तो लिथियम जो है इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम है जैसे यहां पे देख पा रहे, उसके बाद जो है एटॉमिक रेडियस सोडियम की ज्यादा है, उससे ज्यादा पोटेशियम की, उसके ज्यादा रूबीडियम की, उसके ज्यादा केशियम की. अब लिथियम 4, 11, 19 एंड सो ऑन. तो अब यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर जो है ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन एटॉमिक साइज जो है वो यहां पे बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है. तो नाउ व्हिच इज द बिगेस्ट एलिमेंट्स अमॉन्ग दिस. अब इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट्स क्या है, लिथियम. ये क्या है, स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसके एटॉमिक रेडियस सबसे कम है और केसीएम जो है वो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है क्योंकि इसके एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी है. आगे समझ में, दिस इज व्हाट पीरियोडिक ट्रेंड यू ऑब्जर्व इन द व्हाट पीरियोडिक ट्रेंड यू ऑब्जर्व इन द एटॉमिक साइज इन द ग्रुप्स एटॉमिक साइज इन द ग्रुप्स व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप्स. तो ग्रुप्स में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज में हमें क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स दिखाई देता है, तो यही पीरियोडिक ट्रेंड दिखाई देता है विद इन द ग्रुप्स और डाउन द ग्रुप्स
एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये सभी एलिमेंट्स जो है फर्स्ट ग्रुप के है, फर्स्ट ग्रुप में आप सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें सबसे छोटा जो है, यानी कि हर एक ग्रुप में पहला एलिमेंट सबसे छोटा होता है और ग्रुप के नीचे सबसे आखिरी एलिमेंट जो होता है ऊपर से नीचे तो सबसे बड़ा होता है। तो इसका रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग और एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग इन द ग्रुप्स, ग्रुप्स में एटॉमिक साइज जो है क्यों बढ़ती है। तो अब देखिए इन द ग्रुप्स, अब ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए, फर्स्ट ग्रुप में देखिए, सेकंड ग्रुप में भी देखिए, द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजेस वन बाय वन विद इन द ग्रुप इफ वी गो डाउन द ग्रुप। अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ती है। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में, लिथियम में दो सेल है, सोडियम में तीन है, पोटेशियम में चार है, रूबिडियम में पांच है, केसीएम में से है, उसके आखिरी जो एलिमेंट है फ्रांसियम उसमें सात हो गए। आगे समझ, द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजेस, तो दैट इज वाई द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स इन अ न्यू सेल। तो हर एक सेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो है, फर्स्ट ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट सेल में, तो दिस कैन इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल एंड दैट इज वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड द एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस एटोमेटिकली डाउन द ग्रुप। अब देखिए क्या है, हिंदी में आपको फिर से समझाता हूं। तो हर एक ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे अगर ग्रुप में जाएंगे तो सेल की संख्या बढ़ रही है। हाइड्रोजन में एक है, सोडियम में दो है, सोम लिथियम में तीन है, पोटेशियम में चार है। तो हर एक एलिमेंट्स में देखेंगे ऊपर से नीचे एक एक सेल बढ़ रही, जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ेंगी। अब हाइड्रोजन में देखिए एक ही सेल है, देन सोडियम जो है इसमें कितनी सेल है, एक दो और तीन। अब देखिए ये हाइड्रोजन और सोडियम, अब हाइड्रोजन सबसे छोटा है और उसके बाद है लिथियम, तो लिथियम जो है इसके लिथियम का मैं निकालता हूँ पॉजिटिव चार्ज, उसमें दो सेल, इसमें एक सेल है, इसमें दो सेल है, तीन सेल। अब एक सेल जो है इसकी एटॉमिक साइज देखिए, दो सेल है इसकी एटॉमिक साइज देखिए, और तीन सेल जो है इसकी एटॉमिक साइज देखिए, यानी कि एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है, और आखिरी सेल जो है, आखिरी सेल में सेल और न्यूक्लियस इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो एटम की साइज भी यहाँ पे बढ़ती है। आगे समझ लें, दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द एटॉमिक साइज, इसको आपको याद में रखना है। इसकी समरी मैं आपको बताता हूँ, द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑब्जर्व इन द एटॉमिक साइज इद इन द पीरियड्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि सेल की संख्या उनमें सेम है और जो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही सेल में बढ़ते जाते हैं। और ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, इन इन द ग्रुप्स द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ती है। इट इज बिकॉज द एडिशन ऑफ न्यू सेल वन बाय वन, सेल की संख्या बढ़ती है तो ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्जेस। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज तो बढ़ते हैं, पीरियड से ज्यादा भी बढ़ते हैं, लेकिन सेल की संख्या बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और एटॉमिक साइज भी बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।